दहेज ना मिलन कारण नौजवान ने अपने सोहरा परिवार ते पत्नी नाल कीती कुटमार। पन्नी सोहरियां दी गड्डी, मामला बटाला दा। जी हाँ, दहेज ना मिलने कारण एक नौजवान ने अपने सोहरे परिवार अते पत्नी नाल कुटमार की है अते सोहरे परिवार वालियां दी गड्डी भी पन्नी। यह सारा मामला बटाला दा है जिथे एक नौजवान सौरव दाज घट मिलन करके अपनी पत्नी की मार कुटाई करता सी, जिस तो दुखी होकर उसकी पत्नी अपने पेके घर चल गई अते बीती देर रात शराबी हालत विच नौजवान अपने साथियों समेत अपने सोहरे परिवार के घर पहुंचया अते सोहरे परिवार के नाल मारकुट की, जिस तो बाद उन्हां दी बाहर खड़ी गड्डी तक भन दित्ती अते यह नौजवान मौके तो फरार हो गया। मौके ते पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया ते जांच शुरू कर दित्ती है। आओ जानते हैं इस मामले बारे पीड़ित परिवार का की कहना है। मैं अपनी बेटी की शादी की साल एक पहले, तो शादी वधिया की सब कुछ, बस गड्डी नहीं दित्ती, कहिंदे गड्डी नहीं दित्ती, गड्डी नहीं दित्ती। ओदी मम्मी है अपने मुंडे नूं कहिंदी है, ओदे पापा कहिंदे तुहानूं लिस्टां नहीं दित्तियां, लोकी लिस्टां बना बना के दिंदे है। सौरव सहदेव दारा सलाम, दारा सलाम डीलैक्स वालियां दे नाल दा। हुण ओह साडे घर आ गए, सानूं सारियां नूं कुट के असीं दरवाजा नहीं खोलदे पे, दरवाजा तोड़ तोड़ के बिल्लां वजा वजा के इहने सानूं मजबूर कीता दरवाजा। ओह नहीं ते इहनूं कार बाहर खड़ी ही गड्डी ते अरे तोड़न लग पिया गली दी, गड्डी तोड़न दिया हुण इह 10-15 मिंट पहले, इहना आधा घंटा हो गया होणा। ओहदे नाल 3-4 मुंडे पिछे खड़े ही आ, पहला आया कला, इन्हें सानू हे मैं दरवाजा खोलिया ही चपेड़ा मार के, इन्हें वेखो मेरे सुटिया सारे, मेरे सारा सुट सुट के मैनू बेहोश करता, इन्हें मैं डिग पी हाँ। उस तो बाद दे पापा दे भरा दे भी हत्थी पै गया, इन्हें राटा जी बड़िया पता नहीं की लोए लोए दियाँ वो इन्होंने मारियां, इन्हों के सिर चे पापा दे भी दाज करके, सारे दाज करके। हाँ जी, बेटी 3 महीने हो गए इन्हों ने उदो भी मारिया कुटिया ही, लेकिन उदो ही क्या चलो कोई नहीं, पहला भी 3-4 बारी इन्होंने कुटिया। बेटी कहती चलो कोई नहीं, मम्मी सुधर जाएगा, मम्मी सुधर जाएगा। सौरभ सहदेव के नाल बटाले का ही रहन वाला है, वह भी वह दारा सलाम का रहन वाला है, डीलक्स स्वीट्स के बिल्कुल नाल वाले घर। तो उन्होंने मम्मी ने भी, तो उन्होंने पापा ने भी, तो उन्होंने सिस्टर ने भी मैनू मतलब कि शुरू तो ही पहले दिन तो ही मुंडे ने भी कि सानू दाज नहीं मिलया, सानू दाज नहीं मिलया, मतलब पहले दिन तो इन्होंने मेरे नाल लड़ना शुरू करता सी। अगे भी 6-7 बारी हो चुकिया, 1 साल हो गया मेरी मैरिज नूं, तो ये अंदर अंदर 6-7 बारी साड़ी इदा ही लड़ाई हो चुकी है। तो मतलब हर वारी बैठ के गल हो जाती सी कि नहीं अगों तो नहीं करता मुंडा, अगों तो नहीं करता। तो इन्हें मैंने 1 साल के अंदर अंदर 3 वारी कुटिया भी सी, तो मैं अपने घरद बारे सोचते हुए कि चल इन्हों ही की परेशान करना, मैं इन्हों नहीं सी दस्या। ये घरद ने मैंने कहा कि तू अपने घर ना दस, अं अपने मुंडे समझाने तो, पर इन्हें अगली बार फिर मेरे हाथ चुकया, इन्हें मैंने कुटिया मारिया बहुत ज़्यादा। फिर मेरे घरों सारे लैन आए, मेरे चाचे या नाले बाजार के भी सारे लैन गए, तो इन्हें मतलब उदो लैन गए, तो उदो मैनू लैके आ गए। तो यह मैंने उदो धमकिया दिता हों कि मैं अपने आप को कुछ कर लेना, तो नाम मैं तेरे घर दिया तो तेरा नाम ला देना, तो मतलब अपनी आत्महत्या करके तो नाम मैं ताडा ला देना। तो उस तो बाद फिर मतलब इन्हें मैंने कई बार धमकियां दित्तियां कि मैं तेनों पिस्तौल नाल गोली मार के मार देना, या फिर मैं तेनों मार देना और तेरी हत्या करके नाम मैं। तुहाडा कोई बच्चा भी है? हाँ जी, एक गुड़िया मेरी। तो जो गुड़िया हुई उस तो बाद भी इन्होंने मैनू बहुत तंग करना शुरू करता। गुड़िया होने तो पहले भी आ मैनू कहंदे सी कि सानू मुंडा चाहिए, अही टेस्ट करवाना है, तो मैं कहा नहीं टेस्ट नहीं मैं करवाना। तो फिर बाद चो गुड़िया हो गई, तो यह मैनू होर तंग करना शुरू हो गए। उत्थे पुलिस अधिकारी का इस पूरे मामले बारे की कहना है, आओ जानते हैं। लागे रहा उतों आ रहे जी, इन्होंने आके मैंने फोन कंट्रोल रूम से कॉल की, उतों कॉल आई, उस तो बाद मैं 10 मिनट बाद इतने आ गया जी। तो जो भी मेडिकल आधार पर MLR आएगी उस आधार पर पर्चा कटा जाएगा। तो SHO साहब सरदार मोलक सिंह इतने आए ही मौके से, मिलकर गए। अवतार सिंह की रिपोर्ट के नाल दी TVNRI।